असे त्यू दा खाने गानू पर घने बने माँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम इन न्यू ब्लॉग। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आज छुट्टी है और छुट्टी का फायदा उठाते हुए मैं आज अपनी यूट्यूब टीम के साथ एक खूबसूरत जर्नी पे जा रहा हूँ। एक जर्नी पे आपको भी लेकर चलूंगा दोस्तों, एक पहाड़ी इलाके में जाएंगे दोस्तों। वहाँ हम एक जंगली फ्रूट जिसका नाम मेरे ख्याल से त्यूंदा हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो सर्च करेंगे। उसके बाद कुछ रोड सर्च करेंगे, बड़े बड़े खूबसूरत पेड़, नेचुरल वाटर जो नेचुरल स्प्रिंग है चश्मा, और भी बड़ी सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपको दिखाई देंगी। तो उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मैं अभी करंट लोकेशन आपको बता देता हूँ आपको। साथ में ये चनाब न्यूवर जिसको हम चंद्रभागा बोलते हैं वो है, वो वहाँ शिवा का पुल है। अभी हम भद्रवाही इलाके में हैं। ये नीचे नेशनल हाईवे N2444 है दोस्तों, और ये सराज का इलाका है। अभी ये मेरे साथ भाई साहब हैं, भाभी जी अभी हमारा कैमरा पकड़ रहे हैं, कैमरे में ये भी आएंगे। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार होगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे। तो गाइस, थोड़ा सा सफ़र कंटिन्यू करने के बाद हम थोड़ा हाइट पे पहुंचे हैं। मैंने सोचा यहाँ से कुछ मैं खूबसूरत गांव जो शाहढोत के गांव है ये दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो खूबसूरत भद्रवाही कपल, हाई करो। ये जो हमारे साथ जा रहे हैं, नाच गाना सब कुछ होगा, एंटरटेन भी होगी। तो ये दोस्तों कुछ गाँव है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये है वो सराज का इलाका, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिए चीड़ के पेड़ शुरू हो गए हैं खूबसूरत, जिनकी काफ़ी लंबी हाइट होती है और ठंडा ठंडा इनका बात होता है। बात भद्रवाही में बात बोलते हैं दोस्तों हम हवा को। खूबसूरत यहाँ का व्यू है। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं हम ब्लॉग में आगे। तो गाइस, थोड़ा सा ऊपर पहुंचने के बाद मैंने सोचा यहाँ से एक और खूबसूरत व्यू अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए आपको। ये देखो यहाँ पे अखरोट के छोटे छोटे पेड़ हैं, यहाँ पे खूबसूरत अखरोट के पेड़ों की प्लांटेशन हुई है। ये एक खूबसूरत गांव है, अगर किसी को इसका नाम आता है तो बता दे। ये यहाँ से खूबसूरत व्यू सराज का भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये यहाँ पे कुछ ये हमारी रोड है। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो ये भाई साहब हैं, ये भी छोटा सा अपने चैनल के लिए कुछ कंटेंट गैदर कर रहे हैं। ये वो पहाड़ी इलाका है जहाँ हम जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको भी विचुअली हम मज़ा दिखाएंगे कि पहाड़ों में कितना मज़ा है। ओके, मिलते हैं आगे। तो फाइनली गाइज, हम रोड का सफ़र कंप्लीट करके गाड़ी से उतर गए हैं और ये देखा ही दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ये इंद्राला का विलेज है। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है दोस्तों, यहाँ से हम पैदल ही आगे जर्नी शुरू करेंगे। तो आगे का व्लॉग आपको दिखाता हूं और फ्रंट कैमरे से दिखाता हूं यहां का थोड़ा सा व्यू। तो गाइस ये है यहां का व्यू जहां पर अभी हम पहुंचे हैं। यहां से आगे रोड अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, हमारी गाड़ी ली गई है, ये हमारी टीम हमारे साथ आई है। हाय करो, हाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो ठीक है दोस्तों, वो साज का इलाका है, ये हमारी गाड़ी लगी है। यहाँ से ये रास्ता है गाइज, ये वो रास्ता है जिस पर हम आगे की अपने सफ़र को कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं व्लॉग में आगे, थैंक यू। तो गाइस, कोई 1.5 किलोमीटर पैदल पहाड़ी पे ऊपर पहुंचकर हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये चीड़ का पेड़ है दोस्तों, उसके नीचे हम छाँव में ठंडे ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। ये भाभी जी भी बैठे हैं पीछे, ये हमारे भाई साहब है, ये उनका बेटा है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है दोस्तों, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूं कि अभी हम कहां पे हैं ताकि आपको भी यहां का व्यू दिखाई दी जाए। तो मिलते हैं व्लॉग में आगे दोस्तों, बने रहना, थैंक यू। तो गाइस ये है वो नीचे रोड जहां पे हमने गाड़ी लगाई है, जो आए हैं। ये सराज का इलाका है दोस्तों, ये वो नीचे का रास्ता है जहाँ से हम होकर आए हैं। ये वहाँ से होते होते यहाँ से ये नाला क्रॉस करके ये रास्ता भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ। तो यहाँ से हम ऊपर थोड़ा और पहुँचेंगे, देखो कितना ग्रीनरी है, कितना मज़ेदार यहाँ का व्यू है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा के साथ। तो यहाँ जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ से भी आपको खूबसूरत व्यू दिखाएंगे, क्योंकि हमें प्यास भी लगी है। आप देखते हैं चश्मा कहाँ मिलता है। तो गाइज देखिए, ये मेरी यूट्यूब टीम इस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो ये है दोस्तों यहाँ का खूबसूरत व्यू, और ज़्यादा हाइट पर पहुँचकर हम आपको यहाँ से ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अलग अलग गांव आपको यहां पे इस व्यू में दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। काफ़ी हमें यहां का मज़ा आ रहा है। हाँ ये है थोड़ा चढ़ाई है लेकिन ग्रीनरी बहुत अच्छी है और मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों हमें यहां पे। ये देखिए, तो अब मिलेंगे दोस्तों व्लॉग में आगे। आप अपना प्यार बनाए रखना और हमें सपोर्ट करते जाना। तो गाइस, काफ़ी ऊपर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा और ये साथ में एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम दोस्तों मैंने पता किया तो इसका नाम, यहाँ पे खेतों में ये आपको मैं दिखाता हूँ, मक्की की फसल भी लगी हुई है दोस्तों। देखियो यहाँ पे छोटी मोटी कभी कभी बारिश होती रहती है और मक्की ठीक ठाक है दोस्तों। हमारे इलाके में तो जो छोटे छोटे इसके पेड़ लगे थे वो सूख गए, लेकिन अभी मक्की यहाँ जिंदा है और यहाँ ठीक ठाक मक्की की फसल भी होती है। तो ये देखो हमारी यूट्यूब आगे आगे है। तो देखो दोस्तों यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो गाइस अभी हम जंगल में पहुंच गए हैं, हालांकि हमने यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाना है लेकिन हमें बहुत प्यास लगी थी। तो जंगल में चलते चलते तंग रास्तों से चलते हुए चीड़ों के बीच में से हम एक खूबसूरत चश्मे के पास पहुंचे हैं, क्योंकि जो पानी हमने लाया था वो हमारे पास खत्म हो गया था। तो आप कैमरामैन को बोलेंगे हमारे साथ आएंगे और हम देखेंगे चश्मे का पानी पियेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका पानी कैसा है। ये तो जैसे फ्रिज है दोस्तों, ये है नेचुरल फ्रिज, नेचुरल स्प्रिंग और भद्रवाही में इसको हम नाग बोलते हैं। काफी टेस्टी पानी है, थोड़ा सा पानी पहले मैं पी लेता हूँ। पी लो आप भी। हालांकि गाइस आगे बोल रहे हैं भाई साहब एक और चश्मा मिलेगा, लेकिन उधर पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी भर लेते हैं। तो भाई साहब पानी बहुत था पहले यहाँ, आज थोड़ा कम हो गया। कम हो गया, सूख गया अभी। तो आज बुलाई हम दोस्तों, इसीलिए मैं भैया से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कोई ऐसा ही एक गाना बोल दिया जाए, थोड़ा सा एक दो कली इस चश्मे के नाम पे इज्जत कोई आए गानों से तो सुनता है। ठंडे नागेरू की पीनो तुम लोटो बेरता घुटना पियऊए तस ठंड ना गेरू पानी सुखी जऊए पीनो तुम लोटो बेरता घुटना पियऊए पीनो तुम लोटो बेरता घुटना पियऊए ओ जस कुल पुड़े हो जस कुल पुड़ता गबतिया चारोरा तस कुल पुड़े बंदे पुड़तिया शारोरा तस कुल पुड़े बंदे पुड़तिया शारोरा तस ठंड ना गेरू पानी सुखी जऊए पीनू तुम लोटो बेरता घुटना पियऊए तस ठंड ना गेरू पानी सुखी जऊए पीनू तुम लोटो बेरता घुटना पियऊए। वेरी नाइस, थैंक यू गाइस। ये आपको दिखाएंगे जो तूंदा होते हैं जिनको खाने हम आए हैं, जैसे ये उसका पेड़ है, लेकिन अभी हम लोअर हाइट पे हैं तो यहाँ पे अभी उनके फल उतने नहीं है, थोड़े बहुत है पके नहीं है। आगे जाएंगे हम तो तेंदुए भी दिखाएंगे। अब हम आगे की यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, इधर आप ब्लॉग बंद करता हम जाग रहा हूँ, रहते रहिए, थैंक यू। तो गाइस चश्मे का पानी पीकर हम थोड़ा और ऊपर पहुंचे तो यहाँ पे हमें पुरानी याद, भाई साहब हमें पुरानी याद ताज़ा हो गई, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ का भी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊँ। वो जो पार दोस्तों आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अभी कुछ डंगे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी गाड़ थी दोस्तों। किसी टाइम पे हमारे दादा परदादा जी ने यहाँ पे बड़ी मेहनत की थी, यहाँ मक्की की फसल लगाते थे और क्या लगाते थे, राजमा चावल बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज हम लोग उतना काम करते नहीं है, उस वजह से ये देखो मैक्सिमम जंगल बन गया है। एक बड़ा खेत फिर भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारे दादाजी ने काफी अपनी जिंदगी का अरसा जो है गुजारा है। मैंने सोचा ये हमारे पीछे जो है ये हमारी यादें हैं, हमारी एक दो जनरेशन पुरानी यादें हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपको यहाँ से व्यू दे दूँ। तो मैं जगह को सल्यूट करता हूँ, बहुत यहाँ से हमने अनाज खाया है। तो मिलते हैं अब आगे, थैंक यू। थैंक यू।
तो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जहां हम जंगल की सब्जी, जंगल के फ्रूट और जंगल के खूबसूरत पेड़ भी दिखाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम ये जो चैया का नाग बोलते हैं दोस्तों, एक पहाड़ी इलाके में, वहां पर हम जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों अब यहां पे हम क्या करेंगे, पानी भरेंगे। ये खूबसूरत नाग, ये खूबसूरत नाग है यहाँ पे दोस्तों, इससे ज्यादा ठंडा पानी इसका है। तो ये खूबसूरत चश्मा है दोस्तों, यहाँ पे पहले हम जो जिस काम के लाए हैं त्यूंदे जंगल की सब्जी वो कलेक्ट करेंगे, आपको भी मैं दिखाऊंगा भाई साहब के साथ, उसके बाद हम लंच करेंगे। आइए भाई साहब, आइए हुन तो पम तांती हुदा चला ता त्यूंदा करो गानो भी आए मत थोड़ थोड़ा ते गानो सुनानो तुसी थोड़ दो। कैमरामैन को बोलूंगा आराम आराम से नीचे आना। तो गाइस ये देखो, ये है वो जंगल की सब्जी जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम इसको कुछ रोड बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको फिर लेड बोलते हैं, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है। तो हम इसको और कलेक्ट करेंगे, फिर भाभी जी से भी, भाभी जी को ब्लॉग में लाएंगे, इनको भी दिखाएंगे जब ये कलेक्ट करेंगे। तो हम अब नीचे चलेंगे यहाँ से। ये नहीं तो कैमरामैन, अगर आपने आना यहाँ आराम से आना, गिरना नहीं। तो गाइस पहले ही ये देखो वो त्यूंदे हमें मिल गए हैं। कैमरामैन आराम से आओ, आप आगे आपको यहाँ पे दिखाएंगे, आराम से आओ। तो गाइस फाइनली हम वहां पहुंच गए हैं, ये देखिए वो है ये त्यूंदे, ये जंगल का फ्रूट है दोस्तों। बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो ये कौन इस पे गाना, को गाना भेज इस पर हैं, ओ या न त्यूंदा खाने गानू असे घने बने मां, ओ या न त्यूंदा खाने गानू असे घने बने मां, त्यूंदा के रो स्वाद बहुते मिठड़ो स्वाद, त्यूंदा के रो स्वाद बहुते मिठड़ो स्वाद, अन काला काला त्यूंदा एना घने बने मां, ओ या न लाल लाल त्यूंदा एना घने बने मां। तो गाइस अब हम त्यूंदे थोड़े से हमने डब्बे भी लाए हैं, घर के लिए भी थोड़े थोड़े लेंगे। तो उसके बाद हम कुसरोड कलेक्ट करेंगे। अब आगे का मैं जो खूबसूरत भद्रवाही कपल मेरे साथ है, ये दोनों कुसरोड कलेक्ट करेंगे और आगे का व्यू में बनाऊंगा। तो उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस आपको हमने जंगल का फ्रूट दिखा दिया, ये खूबसूरत जंगल के चीड़ के और देवदार के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे पेड़। जंगल में जो चश्मा है, नेचुरल वाटर, नेचुरल स्प्रिंग, ये रहा वो। तो अब हम कलेक्ट करेंगे जंगल की सब्जी, जो हमारे साथ ये भद्रवाही कपल है, तो इनको मैं बोलूंगा कि अब ये कलेक्ट करें देसी सब्जी कसरोड़, जिसके लिए हम आए हैं। ठीक है भैया, मिल रही है कि नहीं? हाँ मिल रही है, थोड़ी 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 मिल रही है, आराम से ढूंढो। दिखाओ जरा कैमरे पे, ये थोड़ी लंबी है। भाभी जी आपको कौन सा डिजाइन मिला? ये वाला, ये देखो गाइस जबरदस्त। कसरोड़ी पर तो नहीं भेजी कोई गीत शीत? नहीं गीत शायद। तो गाइस ये है वो जंगल की सब्जी, अब हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, इनका बेटा भी साथ में, ये भी सर्च कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब्जी पसंद होगी। तो गाइस इसी के साथ मैं ये जो व्लॉग है यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैंने आपसे वादा किया था मैंने व्लॉग में दिखाई। तो अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि टाइम भी बड़ा ज़्यादा हो गया है, डेढ़ दो घंटा मुझे लगता है यहाँ से पैदल हमें गाड़ी तक भी लग जाएगा। इसीलिए मैं ये व्लॉग यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छा लगेगा, सब लोग इसको प्यार करोगे, शेयर करोगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव नाइस टाइम।